नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप जो है इंडियन नेवी SSR AA MR की स्पोर्ट्स कोटा एंट्री का ऑफलाइन फॉर्म फिल करेंगे और किस प्रकार इसे जो है आपको सेंड करना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको मैं विद डेमो दिखाऊंगा कि किस प्रकार आपको फॉर्म फिल करना है, किस प्रकार आपको ये फॉर्म जो है आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना है और किस प्रकार जो है ये सेंड करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर इंडियन नेवी ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग आप जो है फॉर्म को फिल नहीं करते हो या फिर दोस्तों आप जो है प्रॉपर वे में फॉर्म को सेंड नहीं करते हो तो शायद से आपका एडमिट कार्ड नहीं भी आए। क्योंकि दोस्तों, डिफेंस में जो आपका डिसिप्लिन होता है वो टॉप पोजीशन पर रहना चाहिए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी का आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इंडियन नेवी की भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको जो है ब्राउन कलर का इनवलोप लेके आना है। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप का आपको जो है ब्राउन कलर का, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्राउन कलर का इनवलोप लेके आना है जिसमें आपको अपने फॉर्म के साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके सेंड करने हैं। यहाँ पर दोस्तों, इस फॉर्म में आपको सबसे पहले क्लियरली लिखना है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, MR SSR AA। मैंने यहाँ पर देखे दोस्तों तीनों लिख ली है, लेकिन आपको सिंपल एक लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद 01/2020 ये बैच है। उसके बाद आपको अपना स्पोर्ट्स लिखना है, जैसे कबड्डी, जूडो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जो भी आपका कबड्डी गेम, जो भी आपका गेम है वो यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद आपको लेवल इंडिकेट करना है, नेशनल लेवल का है, स्टेट लेवल का है, यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है, जो भी उसकी अचीवमेंट है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अगर आपकी एक से ज्यादा अचीवमेंट है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है आवेदन भेजने का पता, तो आपको इस एड्रेस पर जो है ये फॉर्म सेंड करना है। ये एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। टू दी सेक्रेटरी, इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, 7th फ्लोर, चाणक्य भवन, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, MOD, नेवी, न्यू दिल्ली, 110021। इस एड्रेस पर आपको ये सेंड करना है। यहाँ पर आपको अपना सेल्फ एड्रेस लिखना है। जी दोस्तों, आपका एड्रेस, जिस एड्रेस पर आप चाहते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आए, तो आपको प्रॉपरली विद जो है पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड के साथ आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है, हाउस नंबर वगैरह सब कुछ, ताकि आपके एडमिट कार्ड आने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो। तो दोस्तों, यहां पर आपको कहीं पर भी इस पर जो है पोस्ट स्टैंप भी लगा देनी है। जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, वहां पर आप एड्रेस बताएंगे तो वो आपको स्टैंप भी दे देंगे। आपको सिंपल ऑर्डिनरी पोस्ट वाली स्टैंप जो है इसमें लगानी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको ये जो फॉर्म है ये ऑर्डिनरी पोस्ट के जरिए ही भेजना है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपने ये एनवलप ले लिया, जब आप फॉर्म की दुकान से इस एनवलप को लेंगे तो इसके अंदर आपको जो है ये दो कागज और मिलेंगे, जिसमें दोस्तों एक तो आपका फॉर्म होगा और दूसरा होगा ये सेल्फ एड्रेस एनवलोप। दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दुकानदार को कहिए कि मुझे इंडियन नेवी की स्पोर्ट्स कोटा एंट्री के लिए फॉर्म चाहिए, ऑफलाइन फॉर्म, तो आपको प्रोवाइड कर देगा। बस आपको सिंपल यही कहना है। दोस्तों, इस एनवलोप के अंदर आपको एक सेल्फ एड्रेस एनवलोप भी मिलेगा, जिस पर आपको अपना पूरा एड्रेस, जो कि एड्रेस आपने यहां पर लिखा था, आपका स्वयं का एड्रेस, आपका हाउस नंबर, आपका विलेज या फिर सिटी, सारी डिटेल दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस आपको लिखना है, ताकि आपको आपका एडमिट कार्ड आने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो पूरे अच्छे से आपको अपना एड्रेस जो है इस एनवलप पर लिखना है। यहां पर आप लिख दीजिएगा 2 और फिर उसके बाद अपना एड्रेस जो है डिटेल में लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको इस जो एनवलप है इस पर भी जो है स्टैंप लगानी होगी, जो कि आपने इस पर लगाई है, तो यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। इस पर भी आप जो है स्टैंप लगाइएगा ताकि आपका एडमिट कार्ड आ जाए। उसके बाद दोस्तों, ये तो हो गया एनवलप का। इसके बाद दोस्तों, आपको इसके अंदर एक फॉर्म मिलेगा। यहां पर देखिए दोस्तों, ये फॉर्म जो है मैंने प्रिंट किया हुआ है, बाकी इसके अंदर आपको प्रॉपर एक फॉर्म मिलेगा A4 साइज पर, बिल्कुल अच्छे से। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार का फॉर्म मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार आपको जो ये फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों, सारी जनरल बातें हैं, आसानी से आप इसे फिल कर पाओगे। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आपको जो ऊपर दिख रहा है इसे आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ये केवल ऑफिस यूज के लिए है। 1 पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है, अपना नाम देना है, अपना फादर नेम देना है कैपिटल लेटर में, और 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको ये सारी डिटेल भरनी है। उसके बाद दोस्तों, आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है पिन के साथ, और टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी देनी है। यहां पर देखिए, सिंपल है, यहां पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर देखिए,
आपने अपना एड्रेस लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, स्टेट लिख दिया, कैपिटल लेटर में पूरा फॉर्म फिल करना है, पिन लिख दिया, उसके बाद आपको अपना टेलीफोन नंबर लिखना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पर देखे दोस्तों परमानेंट एड्रेस विद पिन, और यहाँ पर दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपको पूरा अपना जो है प्रॉपर एड्रेस फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन DEPO/SSR यानी डबल ए और SSR एंट्री के लिए आपकी मिनिमम 12 थी, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना है। अगर आप SSR डबल ए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी आपने 12th कब की थी, उसके बाद कौन सी अथॉरिटी ने आपका एग्जाम लिया था, कौन से स्टेट से आपने एग्जाम पास किया था, आपकी मार्कशीट का सीरियल नंबर और कितने में से कितने नंबर आपको आए थे और कितनी परसेंटेज बनी थी, ये सारी डिटेल भरनी है। अगर आप MR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आपको 10th की मार्कशीट का पासिंग ईयर लिखना है, कौन सी अथॉरिटी ने आपका एग्जाम कंडक्ट किया था यानी कौन से बोर्ड से आपने एग्जाम दिया था, कौन से स्टेट में से आपने एग्जाम पास किया था, उसके बाद सीरियल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद दोस्तों मार्क्स ऑब्टेंड कितने में से कितने नंबर आपको मिले थे, और यहाँ पर परसेंटेज। दोस्तों यहाँ पर अथॉरिटी का मतलब है जैसे कि आपने CBSE बोर्ड के थ्रू एग्जाम दिया था, HBSC के थ्रू दिया था, बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, और यहाँ पर अपना राज्य लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपल नेशनैलिटी लिखनी है और यहाँ पर आपको सिंपल अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। पूरा का पूरा फॉर्म आप कैपिटल लेटर्स में फिल कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए अगर आप किसी भी आर्म्ड फोर्सेस से डिस्चार्ज हुए हैं तो यस नो के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्पोर्ट्स डिसिप्लिन आपको बताना है। यहां पर देखिए लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, आपने कौन कौन से लेवल, आपका किस प्रकार का है स्पोर्ट्स का, आपने नेशनल खेला है, इंटरनेशनल खेला है, इंटर यूनिवर्सिटी खेला है, जो भी आपने खेला है उस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो है अपनी बॉडी के 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क देने हैं, जैसे कि अगर आपके शरीर पर कहीं तिल है वो आप बता सकते हैं, कोई कट मार्क है, कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है आप यहां पर दे सकते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों डिक्लेरेशन की, तो डिक्लेरेशन में सिंपल आपको यहां पर अपनी सिटी का नाम फिल करना है, डेट फिल करनी है, यहां पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, अपने पेरेंट के सिग्नेचर यहां पर करवाने हैं, फादर मदर किसी के भी सिग्नेचर आप जो है यहां पर करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन्होंने दी हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, तो यहां पर सबसे पहले दोस्तों आपको ये फॉर्म अटैच करना है। उसके बाद दोस्तों आपको 10th की मार्कशीट, अगर आप जो है SSR डबल एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th की मार्कशीट भी आपको लगानी होगी। उसके बाद दोस्तों यहां पर जो है इन्होंने बताया हुआ है कि जो आपके फॉर्म है वो जो है अटैच, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बताया हुआ दोस्तों आपको इस सीक्वेंस में अटैच करने होंगे। नंबर 1 पर जो दिया हुआ है वो फॉर्म के बाद जो है नंबर 1 पर डालना होगा, इसी प्रकार आपको ये जो है अटैच करने होंगे। उसके बाद दोस्तों स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास अचीवमेंट है, नेशनल स्टेट इंटरनेशनल जो भी स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो यहाँ पर आपको अटैच करनी है। उसके बाद आपको अपना डोमिसाइल अटैच करना है, और यहाँ पर दोस्तों उन्होंने बताया हुआ है आपको जो सेल्फ एड्रेस इनोलोप है जिसका साइज आपका कितना होना चाहिए, 22x10 cm। जी दोस्तों 22x10 cm का आपका सेल्फ एड्रेस इनोलोप भी होना चाहिए, और यहाँ पर आपको 10 रुपए की स्टैंप जो है अफिक्स करनी है इस सेल्फ एड्रेस इनोलोप पर, इसे सेल्फ एड्रेस कहते हैं। उसके बाद दोस्तों सिंपल यहां पर जो है आपको यहां पर अपना पास एक कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है चिपकाना है, स्टैंप नहीं करना है, और यहां पर आपको सिंपल सिग्नेचर कर देने हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको अपना फिर से ब्लॉक लेटर में नाम फिल करना है, आपको यहां पर जो है अपना फादर नेम फिल करना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है यहाँ पर फिल करने हैं। तो दोस्तों जो डिटेल इन्होंने दी हुई है वो सारी की सारी आपको फॉर्म पर भी मिल जाएगी, उसी सीक्वेंस में आप डॉक्यूमेंट्स को अटैच कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कैपिटल लेटर्स में पूरा फॉर्म फिल करना है, इसे आपको अच्छे से पूरे डॉक्यूमेंट अगर आपने इसके साथ लगा लिए तो उसके बाद जो है कुछ इस प्रकार से आपको करना है, सेल्फ एड्रेस इनोलोप पर आपको स्टैंप लगानी है, अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, ये दोनों दोस्तों आपको जो है इसके अंदर डालने हैं, और इसके अंदर डालकर दोस्तों आपको जो है ये बाय पोस्ट ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू दोस्तों ये अप्लाई कर देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों लास्ट डेट जो है 26 जनवरी है, तो उससे पहले पहले आपको जो है इसे पोस्ट ऑफिस में भेज देना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका फॉर्म जो है 26 तारीख के बाद जो है वहां पर जाएगा तो वो फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं, ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपकी लास्ट डेट जो है 30 जनवरी रखी गई है। तो दोस्तों सिंपल सा है, अपने आप से आप फिल कर सकते हैं, सिंपल जो डिटेल दी हुई है वो फिल करनी है, और जो डिटेल ऑफिस यूज के लिए है वो आपको फिल नहीं करनी है। प्रॉपर वे में अगर आप फॉर्म सेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपका एडमिट कार्ड आएगा,
आपको जो है ध्यान रखिएगा, सेल्फ एड्रेस इनवेलप पर भी आपको जो है स्टैंप लगानी है, प्रॉपर एड्रेस फिल करना है और सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने इसमें फिल किए हैं, जो भी इन्होंने बताए हुए हैं फॉर्म में, वो सारे के सारे इसके साथ अटैच करने हैं, फोटो पेस्ट करना है और उसके बाद जो है प्रॉपर वे में सेंड कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी सिंपल सा प्रोसीजर है, अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर से आप इसके लिए फॉर्म डालिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.